Bismillahir Rahmanir Rahim. English grammar और English grammar में अब हम जिस topic को start करने जा रहे हैं ये वो topic है जो आप अपनी educational life में कई दफा discuss कर चुके हैं. इसको आपने अपनी middle classes में भी discuss किया होगा, उसके बाद matric classes में भी, college level पे भी आपने इसे सीखने की कोशिश की होगी. लेकिन इसके बावजूद अक्सर लोगों से जब ये सवाल किया जाता है तो उनका जवाब नफी में होता है. आप मेरी बात को शायद समझ गए होंगे. ये है इंग्लिश टेंसेस. कुछ लोगों का तो ये कहना है टेंसेस गिव मी टेंशन, लेकिन अब जिस आसान अंदाज में मैं आपके सामने इन टेंसेस को पेश करूंगा, बेसिकली आपको बताऊंगा कि इन टेंसेस का लैंग्वेज में फंक्शन क्या है, किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं, तो उसके बाद आपको इन टेंसेस को इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप बहुत आसानी से इन टेंसेस को अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकेंगे. आइए अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से. प्रेजेंट सिंपल टेंस को पाकिस्तानी ग्रामर बुक्स में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी कहा जाता है. एनीवे लेट्स स्टार्ट. यूज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को हम यूज करते हैं फैक्ट्स एंड जनरलाइजेशन के लिए. फैक्ट्स क्या है? हकायक. अगर आप कहते हैं अ हैन लेज एन एग, यानी एक मुर्गी अंडा देती है, ये क्या है? एक हकीकत है, फैक्ट है. जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन आमतौर पे जनरल हेडिंग्स के लिए. अगर कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसमें जो हेडलाइंस बनाई जाती हैं तो उसमें पास्ट की न्यूज को भी वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही लिखते हैं. मिसाल के तौर पे अगर एक दिन दो प्रेसिडेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या होगा? पाकिस्तान्स प्रेसिडेंट मीट्स चाइनीज प्रेसिडेंट. अब वो बेसिकली मीटिंग तो हुई गुज़िश्ता दिनों में, लेकिन जब वो न्यूज़पेपर में आएगा तो इसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन, यानी फॉर न्यूज़पेपर या हेडिंग पर्पस के लिए आप इसे प्रेजेंट में ले आते हैं. उसके बाद जो अहम इस्तेमाल है वो है हैबिट्स एंड रूटीन्स. हैबिट क्या है? एक आपकी आदत. अगर कोई कहता है जी आई स्मोक सिगरेट्स, ये उसकी आदत है, हैबिट है, इसके लिए वो प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेगा. रूटीन क्या है? रूटीन एक ऐसा काम है जो आप रिपीटेडली करते हैं, और रूटीन जो है वो आपकी डेली बेसिस पे होती है, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे. मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एवरी मॉर्निंग आई वेक अप एट 7 o'clock, हर सुबह मैं 7 बजे उठता हूँ. एवरी संडे आई प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, हर इतवार को मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ. एवरी मंथ आई गो फॉर आउटिंग, हर महीने मैं आउटिंग के लिए जाता हूँ. एवरी ईयर आई गो टू नारायण वैली, हर साल मैं नारायण वैली जाता हूँ. अब आपने देखा डेली रूटीन, वीकली रूटीन, मंथली रूटीन और उसके बाद ईयरली रूटीन. उसके बाद जी परमानेंट सिचुएशन. अब परमानेंट सिचुएशन क्या होती है? एक ऐसी सिचुएशन जो हमेशा सेम रहती है. मिसाल के तौर पे द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. ये क्या है? ये परमानेंट सिचुएशन है, एक ऐसी सिचुएशन जो हमेशा सेम रहे. और उसके बाद हमारे पास कुछ स्टेट वर्ब्स हैं. स्टेट वर्ब्स यानी ऐसा वर्ब जो कैफियत को बयान करता है, जिसमें बी, याद रखिएगा बी की फॉर्म्स हैं इज एम आर, उसके बाद है हैव, I have, we have, फिर है think, I think, you are right. State verb, know, I know everything about you, and many other verbs. So ये है present indefinite tense, इसका मैंने आपको use बताया. Present indefinite tense का एक इस्तेमाल हमारे पास ये है कि हम इस tense को कहानी सुनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. इस इस्तेमाल को हम कहते हैं dramatic use of present indefinite tense. अब dramatic use में क्या होता है? फर्ज करें कि आप किसी को कहानी सुनाते हैं और वो कहानी किसी ड्रामे की कहानी है या वो कहानी किसी नॉवल की कहानी है, इसे हम कहते हैं फिक्शन. तो जब फिक्शियस कहानी आप किसी को सुनाएंगे आप उसे प्रेजेंट टेंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसा कि आपके सामने है, अ मैन गोज टू विजिट अ फ्रेंड एंड इज अमेज्ड टू फाइंड हिम प्लेइंग चेस विद हिज डॉग, ही वॉचेस द गेम इन एस्टोनिशमेंट फॉर अ व्हाइल द स्टोरी कंटिन्यूज. इसी तरह मैं कहता हूँ द स्टोरी इज अबाउट अ पुअर बॉय, ही लिव्स इन अ विलेज, वन डे दैट बॉय वॉन्ट्स टू कम टू द सिटी, ही आस्क्स हिज मदर कैन आई गो टू द सिटी, हिज मदर सेज नो यू कांट. अब ये देखिए मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ लेकिन मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज कर रहा हूँ, इसे हम कहते हैं ड्रामेटिक यूज. प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर की, जैसा कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, तो उसमें वर्ब के साथ हमें एस या ई एस का एडिशन करना पड़ेगा. मिसाल के तौर पे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
You get up early in the morning, but she gets up early in the morning. He gets up early in the morning. Ali gets up early in the morning. He, she, it, और सिंगुलर नाम के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब में एस या ई एस का एडिशन करेंगे. एग्जाम्पल्स आपके सामने है, स्पीक स्पीक्स, गो गोस, हैव हैज, टेक टेक्स, रीड रीड्स, स्टडी स्टडीज. ये कुछ सेंटेंसेस हैं हमारे पास, आइए इनको देखते हैं. डज शी लाइक गोइंग टू द माउंटेन? यस शी डज. यस शी लाइक्स गोइंग टू द माउंटेन्स. Does John have a dog? No, he doesn't. अब फर्स्ट करें, मैं आपसे सवाल करता हूं, Do you get up early in the morning? आप इसका क्या जवाब देंगे? एक जवाब तो ये है, Yes, I get up early in the morning. अब ये एक लॉन्ग आंसर है, लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता. अगर मैं आपसे कहता हूं, Do you get up early in the morning? अगर आपका जवाब हाँ में है तो आप कहेंगे Yes, I do. और अगर आपका जवाब ना में है तो आप बोलेंगे No, I don't. So, Yes, I do. No, I don't. Does Mike often play tennis? क्या माइक अक्सर टेनिस खेलता है? Do you know what the present simple is? क्या आप जानते हैं present simple क्या है? मेरा ख्याल है कि अब तो आपको जान जाना चाहिए कि present simple क्या है. Is China in Europe? क्या China यूरोप में है? ये भी present simple tense है. Negative sentences. Present simple tense में जब negative sentences आते हैं तो हम वहां पे helping verb use करते हैं. याद रखिएगा, present indefinite में, positive sentences में हमारे पास कोई helping verb नहीं है. Helping verb सिर्फ हम negative में use करते हैं, और वो क्या है? Do not, does not. और अगर आपको याद हो, contraction section में मैंने आपको बताया कि do not और does not की contractions क्या हैं? They are don't and doesn't. So, he doesn't go to the cinema at all. वो हरगिज सिनेमा नहीं जाता है. I don't like winter. मुझे सर्दियों का मौसम अच्छा नहीं लगता है. They don't live in New York anymore. वो मजीद न्यूयॉर्क में नहीं रहते हैं. Alright, now we see, we've got some words which are called adverbs of frequency. यानी ये words जो हैं, ये हमें frequency बताते हैं जो action हो रहा है उसकी. Always, always कहते हैं हमेशा को. I always speak the truth. मैं हमेशा सच बोलता हूँ. Never, कभी नहीं. He never tells a lie. वो कभी झूठ नहीं बोलता है. Frequently या often. Frequently या often, इसे हम often भी pronounce करते हैं. इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं. Often भी दुरुस्त है और often भी दुरुस्त है. Frequently और often, इसका मतलब है अक्सर. I frequently visit my relatives. मैं अक्सर अपने relatives को मिलता हूँ. Usually, आमतौर पे. Usually on Sunday I don't do anything. आमतौर पे इतवार को मैं कुछ नहीं करता हूँ. यूजली ही कम्स लेट. आमतौर पे वो देर से आता है. सेल्डम या रेयरली. सेल्डम या रेयरली हम इस्तेमाल करते हैं जब मैं कहना हूं कभी कभार. आप लोगों को शायद इल्म हो, हम एक वर्ड यूज करते हैं शाज़ोनादर. ही सेल्डम कम्स. और एक वो बहुत मशहूर हमारे पास प्रोवर्ब भी है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. कि वो जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है. लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप ट्राई करें कि जी जो भौंकता है वो काटेगा नहीं. So, seldom and rarely, इसको हम इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे. Nowadays, अब देखिए हम लोग लिखते हैं nowadays, जो कि गलत है. या तो इसके दरमियान में हाइफन आएगा या आप इसे इकट्ठा लिखेंगे, जैसा कि अभी आपकी स्क्रीन पे है. Nowadays, आजकल. Every week, every year. Every week, he meets me. Every year, my uncle goes to UK. हर साल मेरे अंकल UK जाते हैं. Sometimes, occasionally. Sometimes, कभी कभार. Occasionally, आमतौर पे. जैसे कहते हैं ना, मौके पे. So, sometimes I wear jeans. कभी कभार मैं जीन्स पहनता हूँ. Sometimes I go to market. कभी कभार मैं मार्केट जाता हूँ. I occasionally go to the market. मैं आमतौर पे या कभी कभार मार्केट जाता हूँ. From time to time, गाहे बगाहे, वक्तन फवक्तन. अगर आपकी उर्दू अच्छी है तो आप जानते होंगे वक्तन फवक्तन हम किसे कहते हैं. I visit my relatives from time to time. Here go a few examples of how to use them in sentences. अब हमारे पास कुछ मिसालें हैं कि आप किस तरह इन adverbial phrases को sentences में use कर सकते हैं. He always goes to mosque on Fridays. वो हमेशा जुमे के दिन मस्जिद जाता है. देखिए ये क्या repeated action है. हर जुमे को वो मस्जिद जाता है. I never eat anything after 10 p.m. 10 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाता हूं या मैं कभी कुछ नहीं खाता हूं. ये भी एक आदत है. My computer freezes. फ्रीज कहते हैं जैम हो जाना. मेरा कंप्यूटर जैम हो जाता है. From time to time, वक्तन फवक्तन. It's quite old. ये काफी पुराना है.
ओके स्पोकन प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब स्पोकन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एक बात ध्यान में रखिएगा कि जितना आपने अब तक सुना प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में दैट इज थियोरेटिकल। जब तक आप इसकी स्पीकिंग में प्रैक्टिस नहीं करेंगे शायद आप इस टेंस को अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे। डिस्क्राइब योर फुल डे रूटीन राउंड द क्लॉक। अब अपने पूरे दिन की रूटीन अकॉर्डिंग टू क्लॉक, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं एवरी मॉर्निंग आई वेक अप एट 5 o'clock, आफ्टरवर्ड्स आई ऑफर माई प्रेयर, देन आई रिसाइट द होली कुरान, एट 7 o'clock आई शावर, एट 7:30 आई हैव यू फास्ट, ऑन 8 o'clock आई रीच यूनिवर्सिटी, एट 8:30 आई स्टार्ट माई फर्स्ट लेक्चर, आई टीच इन द यूनिवर्सिटी फ्रॉम 6:30 टू 11:30, देन आई रिटर्न होम एट 12 o'clock. First of all, I have my lunch at 12:30. At 1 o'clock, I offer my prayer. After the prayer, I get ready for my other classes. अब आपने देखा किस तरह systematically मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 बजे ये होता है, 8 बजे ये होता है, 9 बजे ये होता है। इस तरह systematically सोचें आपकी रूटीन क्या है। Pause the program now and express yourself. Tell your routine. How do you typically spend your Sunday? This is question number 2. कि typically आमतौर पे देखिए कुछ actions ऐसे होते हैं जो repeated action होते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर इतवार को होती हैं। हर जुमे को आप मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, हर इतवार को आप देर से उठते हैं, हर इतवार को लोग अखबार पढ़ते हैं, जो भी आपकी आते हैं उसके मुताबिक। सो हाउ डू यू टिपिकली स्पेंड योर संडे। अब आप कह सकते हैं यूजली ऑन संडेज आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन फर्स्ट आई रीड द न्यूज़पेपर, आई ट्राई टू हैव ब्रंच ऑन संडे। तमाम काम जो आप करते हैं इतवार के दिन राउंड द क्लॉक उनको एक्सप्रेस करें। पॉज द प्रोग्राम नाउ एंड स्पीक ऑन दिस टॉपिक। टेल मी योर 5 good and 5 bad habits। देखें अच्छी और बुरी आदतें तो हर एक में होती है, तो आप अपनी 5 अच्छी आदतें और 5 बुरी आदतें बताइए। घबराइए नहीं, अगर आपके अच्छी आदतें नहीं है तो 10 बुरी आदतें ही बता दें। मकसद तो आपका इंग्लिश बोलना है, मकसद तो इंग्लिश की प्रैक्टिस करना है। पॉज द प्रोग्राम नाउ एंड टेल योर 5 good habits and 5 bad habits। टेल मी 3 things you like and 3 things you dislike। अब बताएं 3 चीजें जो आप पसंद करते हैं, 3 चीजें जो आप पसंद नहीं करते। मिसाल के तौर पर आई लाइक वॉचिंग टीवी, I dislike wasting my time. अब I like और dislike के बाद verb की ing form आएगी, तो मुख्तलिफ चीजें बताइए। Pause the program now and practice. How do you celebrate your birthday? हर साल आप अपनी सालगिरह किस तरह मनाते हैं? अब आप इसको explain करेंगे present indefinite में, क्योंकि ये भी repeated action है। हर साल आप ये करते हैं, आप कहते हैं जी every year I celebrate my birthday, I invite a lot of guests, my family members also give me a lot of gifts. इस तरह से आप बयान करें। Pause the program now and answer the question. Describe daily routine of any of your family members. अब ये practice है he, she, it के साथ s और es लगाने की। अपने किसी family member की daily routine बताएं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं my younger brother gets up at 5:30, then he showers and afterwards he offers his prayer. Then he gets ready to go to his office. At 7:30 he leaves. अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, gets then offers, verb के साथ s का addition कर लो। आपके family member, father, mother, brother, sister, किसी की भी daily routine round the clock बताइए। Pause the program now and answer the question. How does a farmer spend his life? एक किसान अपनी जिंदगी कैसे बताता है? ये भी routine है, किसान की routine कि वो सुबह जल्दी उठता है। For example, आप कहते हैं a farmer gets up very early in the morning and then he goes to his fields. He starts plowing or watering his fields and afterward he goes to the mosque and he offers his prayer. After the prayer, he returns to his fields and then he resumes his work. अब इस तरह एक किसान की जो लाइफ है उसमें वो क्या करता है वो तमाम का तमाम आप एक्सप्रेस करेंगे। Pause the program now and answer the questions. Tell me about your hobbies in details. आपकी हॉबीज क्या हैं? क्या आप स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, या म्यूजिक आपकी हॉबी है, या रीडिंग बुक्स आपकी हॉबी है? अपनी हॉबीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करें। पॉज द प्रोग्राम नाउ एंड आंसर द क्वेश्चन। हाउ डू यू सेलिब्रेट ईद एवरी ईयर? हर साल आप ईद कैसे मनाते हैं? अब इसमें बताएं ईद से पहले चांद रात आती है जिसको हम कहते हैं ईद, ईव, ई वी ई ईव, यानी चांद रात। वहां से बताएं आप कैसे शॉपिंग करते हैं, किस तरह से जाते हैं, ये तमाम का तमाम सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप एक्सप्रेस करेंगे।
Complete the following sentences with oral explanation. In sentences ko oral explanation ke saath mukammal kare. I like learning English because main English seekhna chahta hoon kyunki. I dislike drinking wine because mujhe sharab peena bura lagta hai kyunki. I love eating chicken because mujhe chicken khana acha lagta hai kyunki. Ab agar aap chicken khate hain to aapko batana bhi padega aapko kyun acha lagta hai. I hate telling a lie because मुझे झूठ बोलना सख्त बुरा लगता है क्योंकि अब आप ये बताएंगे I hate telling a lie because it is a sin in my religion because the people who tell a lie nobody trusts them and then they don't play a good role in society. इस तरह आप इसे explain करेंगे. I am keen on playing or watching cricket. मैं बहुत शौकीन हूँ क्रिकेट खेलने का या क्रिकेट देखने का because आगे आप reasons बताएंगे. I can't stand summer. Can't stand कहते हैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. I can't stand summer. मैं गर्मी का मौसम बर्दाश्त नहीं कर सकता because क्योंकि. I can't help meeting my friends. मैं अपने दोस्तों से मिले बगैर नहीं रह सकता. Can't help कहते हैं मिले बगैर नहीं रह सकता because क्योंकि. अब आप कह सकते हैं I can't help meeting my friends because my friends give me a nice company. I share my feelings with my friends. Whenever I have free time, I go to meet my friends. We go to the parks together. इस तरह से आप explain करेंगे. I adore my parents because मैं अपने वालदैन से बहुत मोहब्बत करता हूँ क्योंकि. अब उसके बाद आप reasons बताएंगे. Pause the program now and answer all these questions. कोशिश कीजिए कि आप इन सवालों का जवाब किसी के साथ pair work की सूरत में दें. अगर आप अकेले भी हैं, don't worry, answer all the questions. Start present continuous tense. Present continuous tense is very simple tense. जब एक काम हो रहा है इसकी definition क्या है कि when something is happening in front of your eyes or when something is happening at the time of speaking. यानी आपकी आंखों के सामने जो हो रहा है. अब देखें आपकी आंखों के सामने मैं बोल रहा हूं ये क्या tense है. ये present continuous tense है क्योंकि इस वक्त कुछ हो रहा है. आप मुझे देख रहे हैं. You are watching me. This is present continuous. So when something is happening in front of your eyes or at the time of speaking, that is present continuous. We use the present continuous tense when talking about actions that are happening at the moment, present or temporary activity, or which will be done in the near future. Verb is am, are, present continuous mein aata hai. Contractions mein bhi main aapko bata chuka hoon. I am, we are, you are, he, she, it is, they are. Aur iske baad aap verb ki ing form lagayenge. Ye aapka hoga present continuous tense. Okay, verb ki ing form banana bas ka to bahut simple hai. Aap simply ing laga dete hain. But unfortunately, there are some exceptions. Jaisa ki swim. Swim, swimming. Yahan pe am jo hai wo double ho jayega. Swimming. Run, running. Am jo hai wo double ho jayega. Get, getting, यहाँ पे T जो है वो double हो जाएगा. You have to learn these exceptions. The present continuous tense is used to talk about present situations which we see as short term or temporary. We use the present simple to talk about present situations which we see as long term or permanent. अब देखें कुछ ऐसी मिसालें हमारे सामने जिसमें action जो है वो at the time of speaking हो रहा है. It's raining. बारिश हो रही है. अब देखें मैं आपसे मुखातिब हूं. मैं कह रहा हूं it's raining. अब बाहर देखते हैं कहते हैं oh yes it's raining. कि बारिश हो रही है. कुछ हो रहा है at the time of speaking. Who is Kate talking to on the phone? Kate telephone पर किससे बात कर रही है? Look, somebody is trying to steal that man's wallet. देखो कोई उस आदमी का पर्स चुराने की कोशिश कर रहा है. ये आपकी आंखों के सामने हो रहा है. I'm not looking. मैं नहीं देख रहा हूं. My eyes are closed. मेरी आंखें बंद हैं. Tightly. In these examples, the action is true at the present time, but we don't think it will be true in the long term. अब इसमें क्या है कि action at the present तो true है, लेकिन आगे चलकर ये true नहीं होगा. मिसाल के तौर पे, I'm looking for a new apartment. मैं एक नया apartment तलाश कर रहा हूँ. अब ये तलाश मुकम्मल हो जाएगी जब आपको apartment मिल जाएगा, तो ये action हमेशा true नहीं रहेगा. He's thinking about leaving his job. वो अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहा है. They are considering making an appeal against the judgment. वो consider कर रहे हैं, गौर फिक्र कर रहे हैं कि वो appeal करें इस फैसले के खिलाफ. Are you getting enough sleep? क्या आप मुकम्मल नींद ले रहे हैं? Present continuous.
In these examples, the action is at the definite point in the future. This is what we call future use of present continuous tense. You will remember, in Urdu, you often say, I am coming tomorrow. Now, you are coming tomorrow. You are using present continuous. This is what we call future use of present continuous tense. I am meeting her at 6:30. I am meeting her at 6:30. They aren't arriving until Tuesday. वो ट्यूसडे तक नहीं आ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस फ्यूचर यूज वी आर हैविंग अ स्पेशल डिनर एट टॉप रेस्टोरेंट फॉर ऑल द सीनियर मैनेजर्स के तमाम सीनियर मैनेजर्स के लिए हम एक स्पेशल डिनर कर रहे हैं इजंट ही कमिंग टू द डिनर क्या वो डिनर के लिए नहीं आ रहा है अब देखिए डिनर तो रात के वक्त है आप दिन के वक्त किसी से बात करते हैं आप कहते हैं इजंट आमिर कमिंग टू द डिनर क्या आमिर डिनर के लिए नहीं आ रहा है अब ये बेसिकली एक्शन तो होना है फ्यूचर में इसीलिए इसे हम कहते हैं फ्यूचर यूज ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नियर फ्यूचर विद प्रेजेंट कंटीन्यूअस नियर फ्यूचर जैसा कि मैंने आपको कंट्रेक्शंस में बताया गौना नियर फ्यूचर एक ऐसा टेंस है जो कि आप उन एक्शंस के लिए यूज करते हैं जो कि बिल्कुल कमिंग फ्यूचर में होने वाले हैं जैसा कि आप उर्दू में यूज करते हैं लगा हूं मैं खाना खाने लगा हूं आई एम गोइंग टू ईट माई मील So, near future with present continuous tense. Let's learn. I'm going to go to my grandma. Main apni grandma ke paas jaane laga hun. I'm going to go abroad this summer. In garmiyon mein, main bairune mulk jaane laga hun. I will go to my grandma. Main apni grandma ke paas jaunga. Ab ye future hai. Jaunga. Kab jaunga? Koi pata nahi. Agle hafte jaunga, agle saal jaunga, agle maah jaunga. Kab jaunga? It's indefinite. लेकिन अगर आप कहते हैं I'm going to go to my grandma. मैं अपनी grandma के पास जाने लगा हूं यानी all the things are decided. Use present or temporary action and future arrangement. He is getting married this month. अब ये वही future use है कि इस महीने वो शादी कर रहा है. आप कह सकते हैं my uncle is coming next year. मेरे uncle अगले साल आ रहे हैं. अब देखिए है तो next year. लेकिन tense कौन सा है present continuous. This is future use. They are swimming in the sea. वो समुद्र में तैर रहे हैं in front of your eyes. I am drinking hot coffee now. मैं गर्म कॉफी पी रहा हूं. I am having a shower now. मैं अभी शॉवर ले रहा हूं. नेगेटिव सेंसेस में बहुत सिंपल है is not, am not, are not. He is not joking. वो मजाक नहीं कर रहा है. We aren't waiting for my uncle. हम मेरे अंकल का इंतजार नहीं कर रहे हैं. He is not going to school tomorrow. वो कल स्कूल नहीं जा रहा है. Remember that you can also use the present continuous to show your irritation over something or somebody in the present. यानी कोई irritation है अगर she's always asking me stupid questions. वो हमेशा मुझसे अनकाना सवाल कर रही है. Spoken practice. Answer all the questions in spoken English. Describe the things or activities which are happening in front of your eyes. अब अपने इर्द गिर्द नजर दोहराएं अपने कमरे में देखें कमरे से बाहर खिड़की से देखें बाहर देखें कि आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है आप कह सकते हैं द बर्ड्स आर चिरपिंग आई एम लर्निंग इंग्लिश अ टीचर इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मी ऑन द टीवी माई मदर इज कॉलिंग मी आई एम थिंकिंग इस तरह की जितनी भी चीजें जो काम आपके सामने हो रहा है उनको एक्सप्लेन करें Follow this example sentence and write 10 sentences like it. Don't disturb me. I'm sleeping. Ab don't disturb me. Imperative hai. Present indefinite ka. Come home. Everybody is waiting for you. Ghar aajo. Har koi tumhara intezar kar raha hai. Is tarah ke 10 sentences banaye. Go there. They are calling you. Wahan jao. Wo tumhe pukar rahe hain. Present perfect की हमारे पास definition ये है the present result of a past action is called present perfect tense. अब basically बुनियादी तौर पे होता क्या है एक ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ उसका जो present result हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं present perfect. First करें मैंने खाना पकाना शुरू किया By the way for your kind information I'm a very good cook. मैंने खाना पकाना शुरू किया दोपहर का खाना लंच तैयार करने की प्रेपरेशन मैंने 10 बजे शुरू की अब वो क्या है पास्ट एक्शन है 10 बजे मैंने वेजिटेबल्स मंगवाया मीट मंगवाया उसको काटा चॉप किया सब कुछ एंड देन एट अराउंड 1 o'clock मैंने लंच मुकम्मल कर लिया लंच तैयार हो गया तो मैं क्या कहूंगा आई हैव प्रिपेयर्ड लंच मैं लंच तैयार कर चुका हूं अब वो जो प्रेपरेशन थी वो स्टार्ट तो हुई 10 बजे वो है पास्ट एक्शन प्रेजेंट रिजल्ट क्या है
I have prepared lunch. मैं lunch तैयार कर चुका हूँ. So definition क्या है? The present result of a past action is called present perfect. आइए देखते हैं. The present perfect is used to express actions that happened at an indefinite time or that began in the past and continue in the present. This tense is also used when an activity has an effect on the present moment. Have, has, आप यूज करेंगे और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. I have, we have, you have, he, she, it has, they have. Forms of verb. याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि इसकी एक लॉजिक है. देखें, अगर मैं आपसे कहता हूं जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, आप मुझसे पूछते हैं क्यों? उसकी एक लॉजिक है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जो आपको आइडिया देता है कि कुछ हो रहा है. Something is happening, something is going on. तो उसमें वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो आपको एक फीलिंग देती है कि थिंग इज इन प्रोग्रेस. अगर मैं कहता हूं कमिंग, गोइंग, लर्निंग, ईटिंग, इसका मतलब है कि कुछ हो रहा है. और उसके बरक्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म क्यों यूज करते हैं? बेसिकली बुनियादी तौर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक एक्शन मुकम्मल हो गया, एक एक्शन मुकम्मल हो गया. और जब हम मुकम्मल एक्शन की बात करते हैं तो वर्ब की वो कौन सी फॉर्म होती है जो हमें मुकम्मल एक्शन का बताती है? दैट इज थर्ड फॉर्म. जब मैं कहता हूं डन, गॉन, फिनिश्ड, ईटन, अब ईटन, गॉन, डन, फिनिश्ड, इससे आपको अंदाजा होता है कि काम मुकम्मल हो गया. याद रखिएगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तमाम सेंटेंसेस में एक सा हो सकते हैं लेकिन सिर्फ वर्ब की वजह से आपका जो टेंस है वो बदल जाएगा, प्रेजेंट से पास्ट और फ्यूचर हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ब. अब आप देख सकते हैं थर्ड फॉर्म बी बीन, बिकम बिकम, सी सीन, गो गॉन, ग्रो ग्रोन. एग्जाम्पल सेंटेंसेस, वी हैव ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट, हम पहले ही नाश्ता कर चुके हैं. अब इस सेंटेंस में हैव यूज किया गया. मॉडर्न इंग्लिश में हैव जो है वो खाने पीने की सेंस में भी इस्तेमाल होते हैं. अगर मैं कहता हूं आई हैव माई लंच, मैं अपना लंच खाता हूं या लंच करता हूं, तो यहां पे जो सेकंड हैव है ये वो ब्रेकफास्ट खाने वाला उसकी सेंस में है. फर्स्ट जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है. वी हैव ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट, हम पहले ही नाश्ता कर चुके हैं. आई हैव बॉट न्यू शेड्स, मैं नए शेड्स खरीद चुका हूं. आई हैव ऑलरेडी बीन टू पेरिस, मैं पहले भी पेरिस जा चुका हूं. John has been a plumber for 2 years. John 2 साल तक plumber रह चुका है. अब इस सेंटेंस पे जरा गौर कीजिएगा. देखिए आमतौर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम टाइम यूज नहीं करते लेकिन यहां पे John has been a plumber for 2 years, 2 साल तक John plumber रह चुका है, इसका मतलब है कि अब John plumber नहीं है. I am teacher of English language, right? अगर मैं ये कहता हूं आई हैव बीन अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 10 ईयर्स, कि मैं 10 साल तक इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर रह चुका हूं, तो इसका मतलब है कि अब मैंने टीचिंग छोड़ दी है, अब मैं कुछ और करता हूं. इसी की एक और मिसाल मैं आपको दूंगा. अगर कोई कहता है आई हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद फॉर 20 ईयर्स, मैं 20 साल इस्लामाबाद रह चुका हूं, इसका मतलब है कि अब वो इस्लामाबाद में नहीं रहता, कहीं और शिफ्ट हो गया. समवन हैज टेकन माय बैग, किसी ने मेरा बैग चुरा लिया है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट है, पास्ट नहीं है, तो इसको आप इस तरह से यूज नहीं कर सकते. देव टोल्ड मी दे वुडंट कम टू माई पार्टी, इनकरेक्ट. दे टोल्ड मी दे वुडंट कम टू माई पार्टी, जहां पे पास्ट इंडेफिनेट लगता है वहां पे आप पास्ट इंडेफिनेट ही लगाएंगे. अगर आप कहते हैं देव टोल्ड मी दे वुडंट कम टू माई पार्टी, दिस इज इनकरेक्ट. दे टोल्ड मी यानी ये पास्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है. दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया. दे वुडंट कम टू माई पार्टी, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. क्वेश्चन फॉर्म में हैव हैज शुरू में आ जाएगा और बाकी सेंटेंस उसी तरह से रहेगा. हैव यू एवर सीन दिस प्रोग्राम, क्या आपने ये प्रोग्राम कभी देखा है या देख चुके हैं. वेयर हैज शी लिव्ड फॉर 21 ईयर्स, वो 21 साल कहां रही है. इज इट डबलिन और लंडन, क्या ये डबलिन है या लंडन. हैव यू फाउंड द टेलीफोन नंबर, क्या आपको टेलीफोन नंबर मिल गया है या क्या आपको टेलीफोन नंबर मिल चुका है. हैव यू एवर बीन टू फ्रांस, क्या आप कभी फ्रांस गए हैं. बीन से याद आया कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी जिंदगी में आज तक जिन जिन जगहों को घूम चुके हैं उनका आप जिक्र कर सकते हैं. मैं कहता हूं आई हैव बीन टू क्वेटा, आई हैव बीन टू सऊदी अरेबिया, आई हैव बीन टू इस्लामाबाद, आई हैव बीन टू नॉर्दर्न एरियाज. अब ये क्या है, उन जगहों को मैंने विजिट किया. देखिए अक्सर आप कहते हैं मैं मरी गया हुआ हूं, अभी जो कॉन्सेप्ट है ना मरी गया हुआ हूं, ये है कि आपने मरी को विजिट किया हुआ है. तो आप बोलेंगे आई हैव बीन टू मरी, आई हैव बीन टू खरकहा, आई हैव बीन टू कराची एज वेल, मैं कराची भी गया हुआ हूं. हैव यू फाउंड द टेलीफोन नंबर, क्या आपको टेलीफोन नंबर मिल गया है. हैव यू एवर बीन टू फ्रांस, नो आई हैवंट.
नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, जेन हैज नेवर बीन सो एंग्री, जेन कभी इतना नाराज नहीं हुई है या हो चुकी है. ही हैजंट टेकन एनी ड्रग फॉर 2 years, उसने 2 सालों से कोई ड्रग नहीं ली है, मंशियात नहीं ली है. बात याद रखिएगा कि जो एक्सप्रेशंस हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ आते हैं, आप इन्हें प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज नहीं कर सकते, खासतौर पे 2 months ago, 1 year ago, लास्ट वीक, yesterday, when I was 5 years old, ये सारे एक्सप्रेशंस आएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ये यूज कभी नहीं होंगे. ओके, वी गॉट सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑलरेडी. अब अगर मैं ये कहता हूं कि मैं ये फिल्म पहले भी देख चुका हूं, तो मैं कहूंगा आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म, मैं पहले भी ये फिल्म देख चुका हूं. आई हैव बीन टू पेरिस बिफोर, मैं पहले भी पेरिस जा चुका हूं. हैव यू एवर बीन टू मरी, क्या आप कभी मरी गए हैं. लेटली, लेटली का मतलब है हाल ही में. हैव यू बीन टू अमेरिका लेटली, क्या आप हाल ही में अमेरिका गए हैं. येट, अब तक. हैव यू गॉट माई मेल येट, क्या आपको अब तक मेरी मेल मिल गई है. He has never told a lie. उसने कभी झूठ नहीं बोला है या वो कभी झूठ नहीं बोल चुका है. At last, she has passed her exam. आखिरकार उसने अपना इम्तिहान पास कर लिया है. I have just reached my home. मैं तो अभी अभी घर पहुंचा हूं या पहुंच चुका हूं. तो ये पहुंचा हूं या पहुंच चुका हूं, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. स्पोकन प्रैक्टिस. Answer the following questions in spoken English. Talk about the places you have visited in your life so far. अपनी जिंदगी में अब तक जितनी भी जगह हैं, छोटी बड़ी, मुल्क में, बैरूने मुल्क में जो आप विजिट कर चुके हैं, उनके बारे में बताएं. मिसाल के तौर पे, I've been to Paris, I've been to London, I've been to Naran, like that. Present perfect continuous tense. Now, let's see what is present perfect continuous tense. इससे पहले मैंने आपको बताया present continuous tense. Present continuous में क्या कोई action हो रहा है, बात को follow कीजिएगा. This is very important point. Present continuous tense में कोई action हो रहा है. अब उस हो रहे action में अगर आप time का element शामिल करना चाहें, आप कहते हैं I am watching TV. अगर आप ये कहना चाहें कि मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूं, तो आप ये नहीं कह सकते आई एम वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours. ये गलत होगा, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर आप 2 hours ऐड करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं रहेगा. अब आपने एक ऐसा एक्शन एक्सप्रेस करना है जो पास्ट में शुरू हुआ, कंटिन्यू है, और प्रेजेंट में या तो वो जारी है या फिर अभी अभी खत्म हो गया है. उसके लिए आप टेंस यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इससे पहले कि हम समझे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, हमें देखना होगा कि हमारे पास टाइम की क्लासिफिकेशन क्या है. याद रखिएगा, अंग्रेजी जबान में, इंग्लिश में टाइम को 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है. एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम. अब हम देखते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम यानी नुक्ता, वक्त का नुक्ता, और पीरियड ऑफ टाइम, वक्त का दौरानिया, ये 2 चीजें क्या है. सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम की. पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, वक्त का एक नुक्ता. अगर हम बात करते हैं क्लॉक के टाइमिंग की, 1 o'clock इज अ पॉइंट, 3 o'clock इज अ पॉइंट, यानी क्लॉक पे एक नुक्ता है, 3 बजे से काम शुरू हो रहा है. इसी तरह अगर हम डेज ऑफ द वीक की बात करते हैं, सैटरडे इज अ पॉइंट, संडे इज अ पॉइंट, मंडे इज अ पॉइंट, ट्यूजडे इज अ पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं. उसके बाद अगर आप मंथ्स की बात करते हैं, जनवरी ये पॉइंट है, काम जनवरी से शुरू हुआ. देखिए जनवरी से कब तक आपको नहीं पता, जनवरी फरवरी ये पॉइंट्स हैं. उसके बाद ईयर्स की बात करें, 1947 पॉइंट है, 2001 पॉइंट है. तो जहां जहां इंग्लिश में आप पॉइंट ऑफ टाइम यूज करेंगे, वहां पे आप सिंस यूज करेंगे. सिंस 1 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस सैटरडे, सिंस संडे, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस 2001. इसके बरक्स जब आपके पास पीरियड ऑफ टाइम है, यानी वक्त का एक पीरियड है, तो वहां पर आप फॉर यूज करेंगे. अब पीरियड क्या होता है, देखें जी, मैं कहता हूं ये वीडियो प्रोग्राम 1 घंटे का है. अब 1 घंटा क्या है, पीरियड है. 2 दिन पीरियड है, जबकि संडे पॉइंट है. 3 घंटे पीरियड है, जबकि 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे पॉइंट है. 3 महीने पीरियड है, जबकि जनवरी फरवरी मार्च ये एक पॉइंट है. 5 साल एक पीरियड है, जबकि 2001 एक पॉइंट है. तो जहां पे आप पीरियड ऑफ टाइम यूज करेंगे, वहां पे आप फॉर यूज करेंगे. जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, वहां पे आप सिंस यूज करेंगे.
आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा. सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब लाइक हेल्पिंग वर्ब हैव हैज, और उसके बाद बीन और देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. कुछ मिसालें हैं हमारे पास. माय फ्रेंड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स. माय फ्रेंड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स. मेरा दोस्त 3 घंटों से सो रहा है. इट मीन्स शी इज स्टिल स्लीपिंग और शी हैज जस्ट वोकन अप. इसका मतलब है कि या तो अभी फिर वो सो रही है या अभी अभी वो उठी है. शी इज बीन क्राइंग इन हर रूम फॉर हाफ एन आवर नाउ. वो अब आधे घंटे से अपने कमरे में रो रही है. देखें एक काम जो आधे घंटे पहले शुरू हुआ या तो अभी वो चल रहा है या फिर रिसेंटली वो खत्म हो गया. वी बीन वेटिंग फॉर अ गुड ऑफर टू बाय अ कार सिंस मार्च. हम मार्च से गाड़ी खरीदने के लिए एक अच्छी ऑफर का इंतजार कर रहे हैं. Have you been running? अब देखें ये since और for के बगैर, और मेरे नजदीक मेरे ख्याल में present perfect continuous की जो actual sense है वो since और for के बगैर. So have you been running? अब क्या है कि बाहर से कोई शख्स भागा हुआ आता है, जब वो मेरे सामने आता है he is out of breath like that, और मैं उससे कहता हूँ what's wrong with you? Then that chap says sir I'm tired because I have been running. मैं थक गया हूं क्योंकि मैं भागता रहा हूं. अब ये भागता रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से. उसके बाद हम देखते हैं हैज टॉम बीन वॉकिंग द डॉग. क्या टॉम कुत्ते को चलाता रहा है. अब अगर आप कहते हैं मैं टीवी देखता रहा हूं और अब मैं थक गया हूं. आई हैव बीन वॉचिंग टीवी एंड नाउ आई एम टायर्ड. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश. बड़ा आम सा सवाल है. आप कितने अरसे से इंग्लिश सीख रहे हैं. और देखें आपसे जब जॉब के बारे में सवाल किया जाता है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस जॉब. आप कितने अरसे से ये नौकरी कर रहे हैं. आप जवाब देते हैं आई हैव बीन डूइंग दिस जॉब फॉर 2 ईयर्स. मैं 2 साल से ये नौकरी कर रहा हूं. इसका मतलब है या तो आपने रिसेंट पास्ट में वो नौकरी छोड़ दी है या स्टिल आप वो नौकरी कर रहे हैं. वॉट हैव यू बीन डूइंग देयर. आप वहां क्या करते रहे हैं. आई हैव बीन ईटिंग. मैं खाता रहा हूं. आई हैवन्ट बीन स्लीपिंग वेरी वेल रिसेंटली. हाल ही में मैं अच्छी तरह से नहीं सोता रहा हूं. आई हैवन बीन वेटिंग फॉर 50 मिनट्स. मैं 50 मिनट से इंतजार नहीं कर रहा हूं. बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह आप इसे ट्रांसलेट करेंगे लेकिन 50 मिनट्स की वजह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं जा सकता. ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा. जॉन हैजंट बीन यूजिंग हिज ए ड्राइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. जॉन काफी अरसे से अपनी ए ड्राइव इस्तेमाल नहीं कर रहा है. स्पोकन प्रैक्टिस. Talk about the activities you started in the past and still you are doing. For example, I have been studying English for 5 years. मैं 5 साल से English पढ़ रहा हूँ. I have been living in Lahore for 20 years. मैं 20 साल से लाहौर में रह रहा हूँ. उन चीजों के बारे में बात करें जो आपने माजी में शुरू की और अभी तक आपके साथ चल रही है. आप कह सकते हैं I have been playing cricket for 5 years. मैं 5 सालों से cricket खेल रहा हूँ. I have been doing job in that bank for 2 years. मैं उस बैंक में 2 साल से नौकरी कर रहा हूँ. I have been studying for 12 years. मैं 12 सालों से पढ़ रहा हूँ. इसका मतलब है कि वो एक्शन या तो रिसेंट पास में खत्म हो गया या अभी वो चल रहा है. सिंपल पास्ट टेंस. देखें जब भी हम टेंसेस की बबात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. सिंपल पास्ट टेंस कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट में होके माजी में चला जाए, तारीख का हिस्सा बन जाए, उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस. अब हम डिस्कस करते हैं पास्ट सिंपल टेंस को. हम देखेंगे कि पास्ट सिंपल टेंस क्या है और किस तरह से पास्ट सिंपल टेंस को हम इंग्लिश जबान में इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले चंद चीजें जानना जरूरी है कि पास्ट सिंपल टेंस का यूज क्या है. यूज शॉर्ट एक्शंस इन द पास्ट. माजी में किए गए शॉर्ट एक्शंस. लॉन्ग एक्शंस इन द पास्ट. माजी में किए गए तवील एक्शंस. अ सीरीज ऑफ एक्शंस इन द पास्ट यानी माजी में की गई एक्शन की सीरीज यानी 2, 3 या 4 एक्शंस. अब जहां तक शॉर्ट एक्शंस इन द पास्ट का ताल्लुक है आई वेंट टू स्कूल. मैं स्कूल गया. स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है 15 मिनट 20 मिनट. आई हैड माय ब्रेकफास्ट. मैंने नाश्ता किया. शॉर्ट एक्शन है. नाश्ता करने में कितना टाइम लगेगा 10 मिनट 15 मिनट. आई हैड ब्रेकफास्ट. लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट. माजी में एक तवील अरसा. आई लिव्ड इन लंडन फॉर 20 ईयर्स. मैं लंडन में 20 साल रहा. अब ये क्या है लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट.
इसी तरह अगर आप कहते हैं I worked in Karachi for 5 years. मैंने कराची में 5 साल काम किया. ये भी long action in the past होगा. उसके बाद है a series of actions in the past. यानी action की series मासी में. जैसा कि आप कहते हैं series of actions in the past. I reached home, opened the door and went to the kitchen. अब जब आप ये कहेंगे I reached home, opened the door and entered the kitchen. इसमें 3 actions हैं. तो ये क्या है? Series of actions in the past. आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास past tense में इस्तेमाल करने के लिए कौन सा verb है. आपके सामने list है verbs की. Irregular verbs हैं eat, ate, eaten. याद रखिएगा past indefinite tense या past simple tense वो वाहिद tense है जिसमें हम verb की second form use करते हैं. Ate, fly, flew, flown. So flew second form use होगी. See, saw, seen. Saw second form use होगी. Swim, swam, swam. Swam second form है ये use होगी. Structure, subject, second form of the verb and object. I saw 2 colorful fish in the lake yesterday. मैंने कल झील में 2 रंगीन मछलियां देखी. He entered a room, lit a cigarette and smiled at the guests. वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने सिगरेट जलाया और मेहमानों को देख के मुस्कुराया. ये क्या है? Series of actions. Mary tried the soup, but it was too hot to eat. Mary ने सूप ट्राई किया लेकिन ये खाने के लिए बहुत गर्म था. अब ये क्या है? शॉर्ट एक्शन इन द पास्ट. I lived in New York for 10 years. मैं न्यूयॉर्क में 10 साल तक रहा. दिस इज लॉन्ग एक्शन इन द पास्ट. इट मीन्स आई डोंट लिव देयर एनीमोर. दे सॉ अस प्लेइंग फुटबॉल. उन्होंने हमें फुटबॉल खेलते हुए देखा. अब मैं कहता हूं आई सॉ यू स्मोकिंग. मैंने आपको सिगरेट पीते हुए देखा. आई सॉ हिम प्लेइंग क्रिकेट. मैंने उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा. क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब डिड सेंटेंस के शुरू में आएगा. और एक बात याद रखिएगा, जब आप डिड यूज करेंगे तो उसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. हाउ लॉन्ग डिड ही वर्क देयर. उसने वहां पर कितना अरसा काम किया. डिड द टेलीफोन रिंग. क्या टेलीफोन बजा. डिड यू सी दैट. क्या आपने ये देखा. Yesterday, the other day, just now, the day before yesterday, ये common expressions हैं जिनको हम कहते हैं time adverbials. ये time adverbials past simple tense के साथ use होंगे. मिसाल के तौर पे yesterday, I missed my breakfast. गुजरे हुए कल मैंने अपना नाश्ता miss किया. The other day, देखिए बाज़ का ऐसा होता है कोई ऐसा काम जो माजी में हुआ होता है आपको exact दिन याद नहीं होता कि वो काम किस दिन हुआ था. ये तो पता है कि चंद दिन पहले कुछ हुआ लेकिन वो किस दिन हुआ, तो वहां पे आप दी अदर डे का वर्ड यूज करते हैं. दी अदर डे आई वेंट टू द मार्केट. अगले दिन मैं मार्केट गया. ये पास अगले दिन से धोखा नहीं खाइएगा कि फ्यूचर की बात है. नहीं, ये बिल्कुल वाकईतन पास्ट की बात है. दी अदर डे आई सॉ अ लायन इन द सर्कस. जस्ट नाउ आई रिसीव्ड योर मेल. जस्ट नाउ द डे बिफोर यस्टरडे. यानी वो परसों के लिए, गुजरे हुए के लिए. द डे बिफोर यस्टरडे I went to the museum. In negative sentences, we use subject and then we use auxiliary verb. That is didn't. Ab didn't main aapko pehle bata chuka hu contraction section mein, and then we'll be using verb. He didn't learn any Italian when he was in Italy 2 years ago. Jab 2 saal pehle wo Italy mein tha to usne bilkul bhi Italian language nahi seekhi. I wasn't at my grandma's When you came, जब आप आए तो मैं अपनी ग्रैंड मदर के घर में नहीं था. Spoken practice. इन तमाम सवालों का जवाब दीजिएगा और कोशिश करें आप जितनी इंग्लिश बोल सकते हैं बोलें. एक बात याद रखिएगा, लैंग्वेज हमेशा बोलने से आती है. गलत लैंग्वेज आज बोलेंगे तो कल आप दुरुस्त लैंग्वेज भी बोलेंगे. ये कभी मुमकिन नहीं है कि आप पहले दिन से ही दुरुस्त लैंग्वेज बोलना शुरू कर दें. What did you do yesterday? आपने कल क्या किया. अब बताएं yesterday I woke up early in the morning, then I showered. आप second form use करेंगे. After that I took my breakfast, then I reached my college. अब ये सारे actions round the clock आप past indefinite tense में second form of the verb के साथ explain करेंगे. How did you spend your last Sunday or Friday?
आपने अपना गुज़िश्ता जुमे का दिन या गुज़िश्ता इतवार का दिन कैसे गुजारा? आप बताएंगे, और लास्ट संडे आई वॉज वेरी बिजी, आई हैड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ माई कजन, सो आई रीच देयर ऑन सैटरडे नाइट। देखें ये क्या है, तमाम एक्टिविटीज, हर काम याद रखें, जितना बोलेंगे उतना सीखेंगे। लैंग्वेज में एक रूल है, मोर यू स्पीक मोर यू लर्न, लेस यू स्पीक लेस यू लर्न। तो कोशिश करें बहुत ज्यादा बोलने की। What did you do during last summer vacations? पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में आपने क्या किया? शायद कोई टूर, आप कहीं मरी गए हो, नारायणगढ़ गए हो, उस टूर के बारे में एक्सप्लेन करें। How did you celebrate your last birthday? आपने अपनी पिछली सालगिरह कैसे गुजारी? कहेंगे I celebrated my last birthday with my family. I was very happy on that day. अब ये क्या होगा, ये सारा past tense होगा। What did you do on last Eid or Christmas for Christian students? Otherwise, आपने अपनी पिछली ईद पर क्या किया? अब वो ईद की एक्टिविटीज पूरे तीन दिन की, चांद रात से शुरू करें ईद का दिन और उसके बाद अगले दिन, और आप बताएं कि आपने क्या किया। Describe a memorable incident of your life. आपकी जिंदगी का यादगार वाक्या, किसी की शादी, कोई टूर, कहीं जाना, उसको आप डिस्क्राइब करें। Describe a memorable trip to any place. किसी जगह पे अगर आप गए हो, यादगार वाकया, जी आपने, मैं एक दफा छांगा मांगा गया था, मैं एक दफा कलर को हार गया था। Describe that in past tense. Once upon a time I went to छांगा मांगा with my friend. It was my first tour and I was very excited. अब was first tour, इस तरह से आप explain करेंगे। Describe a wedding you attended recently. एक ऐसी शादी बयान करें जो आपने हाल ही में अटेंड की हो, और उस शादी के तमाम functions, यानी आप उसे स्टार्ट करें मेहंदी से और उसके बाद बारात का दिन और फिर वलीमे का दिन, और वो तमाम एक्टिविटीज जिनको आपने देखा उसको डिस्क्राइब करें, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में। डिस्क्राइब एनी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, कोई आपने सफर किया हो ट्रेन से, बस से, जहाज से, उस ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को आप डिस्क्राइब करें पास्ट टेंस में। व्हेन डिड यू गो फॉर शॉपिंग लास्ट टाइम एंड व्हाट डिड यू बाय, लास्ट टाइम आप शॉपिंग के लिए कहां गए, यानी कब गए और आपने वहां से क्या खरीदा। कह सकते हैं लास्ट टाइम आई वेंट फॉर शॉपिंग टू अ ब्यूटिफुल शॉपिंग मॉल एंड देयर आई बॉट अ लॉट ऑफ क्लोथ्स बिकॉज देयर वाज माय कजन्स वेडिंग एंड आई हैड टू बाय न्यू ड्रेसेस फॉर माय कजन्स वेडिंग। इस तरह से आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। Past continuous tense is actually used when you want to talk about actions which were going on in the past. वो actions जो के माजी में जारी रहे थे और उसके बाद उनको interrupt कर दिया गया past indefinite से। अगर मैं ये कहता हूं I was sleeping, मैं सो रहा था, she was telling a lie, वो झूठ बोल रही थी, was were के साथ ing form लगाएंगे तो वो आपका past continuous tense बन जाएगा। इसका यूज देखते हैं। एक्शंस इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, इंटरप्टेड एक्शंस इन प्रोग्रेस, इरिटेशन, टिमिड पोलाइट क्वेश्चंस एंड देयर आर सम मोर। आई वाज वंडरिंग इफ, अब आई वाज वंडरिंग इफ लगता तो है कि पास्ट है, लेकिन हम इसे प्रेजेंट में यूज करते हैं। आई वाज वंडरिंग इफ यानी मैं हैरान हो रहा था, या एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, मिसाल के तौर पे आई वाज थिंकिंग यू माइट, आई वाज वंडरिंग इफ यू कुड कैरी माय बैग, यानी मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरा बैग उठा लेते हैं, बस कर, आप बहुत हम्बल होते हैं। I was wondering if you could help me, कि मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरी मदद कर दें, एक humble request है। Although these sentences have the past continuous form, they apply to the present moment. अगर मैं कहता हूं I was just wondering if you could give me some money, कि मैं सोच रहा था कि अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें, अब ये present में होगा, बेशक जो words use कर रहे हैं वो past के हैं, लेकिन English जबान में इसको आप present में use करते हैं। Their meaning is similar to the could you sentence, but they are more polite. स्ट्रक्चर was, were और उसके बाद ing form of the verb. Examples: At 3 p.m. I was having lunch. 3 बजे मैं लंच कर रहा था। अब जब आप ये कहते हैं कि मैं 3 बजे लंच कर रहा था, इसका मतलब है लंच शुरू हुआ होगा 2:50 पे या 2:45 पे। 3 बजे क्या था? When you were in the middle of doing something in the past, that is past continuous. अब अगर आप ये कहते हैं I was sleeping at 9 o'clock, कि मैं 9 बजे सो रहा था, इसका मतलब है सोने का अमल शुरू 9 बजे से पहले हुआ। बेशक शायद 8:30 बजे, शायद 8 बजे आप सो गए और 9 बजे आप उस एक्शन के दरमियान में थे।
Yesterday at this time Steven Seagal was riding a horse. Kal is waqt Steven Seagal ghoda chala raha tha. Aap keh sakte hain yesterday at this time I was chatting with my friend. Kal is waqt main apne dost se gapshap kar raha tha. John was smoking a cigarette when he saw a spider. Ab kya interrupted action? John cigarette pee raha tha continuous action when he saw a spider. Yahan pe kya hua? Ek action ne usko interrupt kiya. Isi tarah aap keh sakte hain I was sleeping when you called me last night. Guzishta raat jab aapne mujhe phone kiya to main so raha tha. Questions mein aap was were ko shuru mein le aayenge, subject and then ing form. Was she going to the theater when it started raining? Jab barish hona shuru hui to kya wo theater ja rahi thi? Were they playing cricket when you reached? Kya wo cricket khel rahe the jab aap wahan pahunche? Dekhe when you reached koi ek action hai. Usko interrupt kar raha hai. What they playing? Same as agar main kahun, were you listening to music when I called you? Kya aap musiki sun rahe the jab maine aapko phone kiya? Negative senses mein was not, were not aur baki subject aur object usi tarah se ing form ke saath. He asked me why I wasn't having dinner at the hotel. Usne mujhse pucha ki main hotel mein dinner kyun nahi kar raha tha. His cigar was irritating me. Uska cigar mujhe irritate kar raha tha. Past continuous tense. Spoken practice. Answer the following questions in spoken English. Make 10 combined sentences of simple past and past continuous. For example, I was sleeping when you called me. अब आपने इस तरह के 10 जुमले बनाने हैं जहां पे past indefinite और past continuous को आप मिलाएंगे. इन sentences को आप लिख भी सकते हैं या बोल के भी बना सकते हैं. I was sleeping when you called me. मैं सो रहा था जब आपने मुझे फोन किया. She was studying when I met her. कि वो पढ़ रही थी जब मैं उससे मिला. Past perfect tense. In English language, past perfect tense is commonly used. It has got its own uses. बात को समझने की कोशिश कीजिएगा. फर्ज करें माजी में दो वाक्यात रुनुमा हुए. एक वाक्या 6 बजे हुआ और एक वाक्या 5 बजे हुआ. ठीक है. अब मैं ये नहीं कह रहा कि जी एक्शंस राइट वन आफ्टर अदर, यानी वो एक्शंस नहीं है कि जी सीरीज ऑफ एक्शन है. सीरीज क्या होता है कि एक एक्शन के बाद दूसरा, वो नहीं है. मैं बात कर रहा हूं कि माजी में दो वाक्यात रुनुमा हुए, एक 6 बजे और दूसरा 5 बजे. अब आप मुझे आके वो दोनों वाक्यात बताते हैं और मुझे आपने बताना इस तरह से है कि वो जो पिछला वाक्य है उसका मुझे अंदाजा हो जाए कि पहले कौन सा वाक्य हुआ. वाक्य क्या हुआ? आपने एक ट्रेन पकड़ना थी. आप ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गए. ट्रेन का टाइम था 7 बजे. आप रेलवे स्टेशन पहुंचे 7:30 बजे. जब आप 7:30 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी. अब आप इस सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? व्हेन आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन, पास्ट इनडेफिनिट टेंस, क्योंकि ये एक्शन बाद में हुआ. व्हेन आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन एट 7:30 द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी जा चुकी थी. अब देखिए आप 7:30 पे पहुंचे, ट्रेन 7 बजे चली गई. सो व्हेन आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन एट 7:30 द ट्रेन हैड लेफ्ट, गाड़ी जा चुकी थी. बिल्कुल इसी तरह व्हेन आई रीच्ड द फंक्शन हैड स्टार्टेड, जब मैं पहुंचा फंक्शन शुरू हो चुका था. अब आप पहुंचे होंगे कोई तकरीबन 9 बजे, फंक्शन शुरू हुआ 7 बजे. सो व्हेन आई रीच्ड द फंक्शन हैड स्टार्टेड. आइए देखते हैं. द पास्ट परफेक्ट इज क्वाइट सिंपल एंड यूजफुल. वी यूज इट टू शो दैट वन एक्शन इन द पास्ट अकर्ड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. अ कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अनदर एक्टिविटी इन द पास्ट, दिस इज द यूज ऑफ इट. द पास्ट परफेक्ट इज ऑल्सो यूज in a number of expressions like these. I wish, कहते ना काश, I'd rather, इसकी बजाय, as if, जैसा के, दो गर्चे, and if only, अगर सिर्फ, I wish I hadn't gone there, काश मैं उधर ना गया होता. भास्कर तब कहते ना काश मैंने ऐसा ना किया होता. I wish I hadn't done that. I'd rather seen it for myself, इससे अच्छा था कि मैं खुद इसे देख लेता. John looked, John यू दिखाई दिया, as if he had done something terrible, जैसा कि उसने कुछ भयानक किया था. Positive sentences में subject, had और उसके बाद third form.
Mr. Johnson had read the document carefully. Mr. Johnson document ko bahut ehtiyat se padh chuke the before he signed it. Isse pehle ki unhone isko sign kiya. Before I was born, mere paida hone se pehle, my grandfather had gone to war. Mere grandfather jang pe ja chuke the. When we arrived, the concert had already finished. Jab hum pahunche to concert pehle hi khatam ho chuka tha. Ab aap log pahunche concert mein 12 baje, concert khatam ho gaya 11 baje. To kya hua? When we arrived, the concert had already finished. Questions mein had shuru mein aa jayega aur phir subject aur past participle yani ke third form of the verb. Had he known some words before he started learning English? English seekhna shuru karne se pehle kya wo kuch alfaz janta tha? Had they had any pet before they bought the giraffe? Giraffe ya zarafa khareedne se pehle kya wo koi aur paltu janwar rakh chuke the? Negative sentences mein had not aur uski contraction hai hadn't wo hum use karenge. I hadn't seen Berlin before I flew there in the summer. Yani garmiyon mein Berlin jane se pehle maine Berlin nahi dekha tha ya main Berlin nahi dekh chuka tha. Brenda didn't call me before her plane had landed. Brenda ne mujhe phone nahi kiya isse pehle ki uska jahaz pahunch chuka tha. Jahaz pahunchne se pehle usne mujhe phone nahi kiya. Spoken practice. Answer the following questions in spoken English. Make 10 combined sentences of past simple and past perfect. For example, when I reached home, my family members had slept. Jab main ghar pahuncha, mere family members so chuke the. अब आपने इस तरह के 10 जुमले बनाने हैं जिसमें पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को आप ज्वाइन करेंगे. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द रेलवे स्टेशन. गाड़ी जा चुकी थी इससे पहले कि मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा.